टीकमगढ़ शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर शिवजी का प्राचीन कुंडेश्वर धाम मंदिर स्थित है। यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और मन वांछित फल पाते हैं। लेकिन विश्व में फैल रही कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी को देखते हुए प्रशासन ने मंदिरों को बंद कर दिया था। देश में कोरोना लॉकडाउन के चलते कोरोना जैसी घातक बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण को देखते हुए प्रशासन ने 8 जून से समस्त मंदिरों को खोलने की इजाजत दे दी। मंदिर को खोलने के लेकर प्रशासन और मंदिर कमेटी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए। मंदिर में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति प्रदान की गई है। सुबह से ही श्रद्धालु मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। जब ये दर्शनार्थी यहाँ पर आएंगे तो करीबन हम 8-10 लोगों की टुकड़ी में मंदिर के ग्राउंड में प्रवेश करेंगे और भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर जो मेन दर्शन है वो दो दो एक एक आदमियों को दर्शन करने देंगे लाइन से। और जब वो बाहर निकल जाएंगे तो फिर 8-10 लोगों को अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। ये करीबन 3 महीने से पट बंद है, मतलब पूजा सेवा चलती रही है, बाकी बंद रहे हैं। और 3 महीने से दर्शनार्थियों का आना जाना नहीं रहा है और जो भगवान के भक्तजन हैं वो अपने घर से ही भगवान को स्मरण करते रहे और आना जाना नहीं है। लेकिन खुशी है भक्तों को कि कल से उनको पुनः दर्शन होंगे अपने इष्ट देवता के और पुनः वो आनंद लेंगे और सिद्धा भाव से वो राम राजा सरकार के चित्रगुप्त भगवान के दर्शन करेंगे, लाभ उठाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आए हैं कि 8 जून से धार्मिक संस्थान खोले जाने हैं, मगर उनमें जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं हमारे और जो मास्क लगाने के जो नियम है उनको पालन करते हुए खुलवाना है। तो इसी में प्रशासन के साथ यहाँ पे पूरा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया, जो यहाँ की मंदिर समिति है उनके साथ भी पूरा मंदिर प्रांगण का भ्रमण कर किस तरीके से कल श्रद्धालुओं को सावधानी पूर्वक COVID-19 के इस दौर में सावधानी पूर्वक दर्शन कराकर उनकी आस्था को बरकरार रखा जाए, उसी संदर्भ में यहाँ पर भ्रमण किया गया और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखे गए। मंदिर समिति ने यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है उसमें नीचे पहले हाथ धोने की व्यवस्था की गई, साथ ही साथ यहाँ पे मार्किंग की गई ताकि जिससे लोग आपस में दूरी बनाकर दर्शन कर सके यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि COVID-19 जो का संक्रमण मेनली टच से ज्यादा फैलता है इधर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसी को ध्यान में रखते हुए दर्शन सिर्फ दर्शन के लिए मंदिर को खोला जा रहा है, ना ही किसी पूजा अर्चना या प्रसाद वितरण या प्रसाद चढ़ाने की कार्रवाई, सभी प्रकार की कार्रवाई प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही साथ 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों का आना भी प्रतिबंधित रहेगा और 10 साल से कम उम्र के बच्चों का आना प्रतिबंधित रहेगा। तो सभी श्रद्धालुओं से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो नियम है उनका अक्षराक्ष पालन करें, अक्षराक्ष पालन करते हुए नहीं कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।